खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के सांसद गिरीश चंद पहुंचे, जिन्होंने नवैद अयाज को बसपा का प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद नवैद अयाज को वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर बधाई दी। इस मौके पर काफी लोग मौजूद रहे। बता दें कि अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर पहले कामिल पाशा को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब आचार संहिता लगने के बाद शहर के जोया मार्ग पर स्थित निजी होटल में बहुजन समाज पार्टी के सांसद गिरीश चंद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया और उन्होंने अमरोहा के विधानसभा प्रत्याशी को ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि बहन के आदेश पर अब नवैद अयाज को बसपा का प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है और अब ये ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि अमरोहा से सीट जीतकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, मेरे टिकट मिलने से क्षेत्र में आप लोगों को खबर है, क्योंकि आप मीडिया हैं, आपने यहाँ की सोशल मीडिया देखी, जनता देखी, क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में एक उत्सुकता है। यहाँ 1 लाख के लगभग नौजवानों का वोट है, जिसमें से आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नौजवान की प्रथम प्राथमिकता, प्रथम पसंद जो है वो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी के रूप में वो उन्होंने हमें पसंद कर रहे हैं, जिसका समर्थन सोशल मीडिया पे एक जुनून की तरह आप महसूस किया होगा। और यही वजह है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, अमरोहा की जनता परिवर्तन चाहती है, यूपी की चाहती, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। फैसला किया कि मुराद अमरोहा शहर की सीट पर एक ऐसे युवा को जिसका राजनीतिक जीवन शिक्षा के क्षेत्र से शुरुआत उन्होंने करने का काम किया, छात्र नेता के रूप में उनकी एक भूमिका थी, उन्होंने संघर्ष करने का काम किया, चाहे यहाँ NRC का मामला रहा हो, चाहे और मुद्दे रहे हों, चाहे दलितों में शोषण का मामला रहा हो, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम ऐसे बहुजन समाज पार्टी के जवान साथी ने करने का काम किया, जिनका नाम नवैद अयाज है। उनकी सब भूमिका को देखकर आदरणीय बहन जी ने निर्णय लिया कि हम अमरोहा शहर पर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जो इस बार यहाँ चुनाव लड़ेंगे वो मोहम्मद अयाज यहाँ के उम्मीदवार बहुजन समाज नवैद भाई हमारे। जब यहाँ से आदरणीय बहन जी ने बाम सिर्फ की रिपोर्ट को मंगाया, आप लोग शायद उस दिन भी यहाँ पर होंगे जिस दिन उनकी घोषणा थी, उसका नज़ारा भी आप लोगों ने देखा होगा। वो रिपोर्ट यहाँ से गई, फिर आदरणीय बहन जी ने उस पर निर्णय लेने का काम किया और नवैद जी को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपने का काम किया।